नमस्कार, मैं ज्योति जायका अपने घर के में सभी का आपका तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन। मटन लोग कई तरह से बनाते हैं, कोई दही डाल के, कोई विदाउट दही, कोई मसाला वाला, कोई फ्राई करा हुआ। तो आज मैं कुछ अलग लेकर आई हूँ आपके लिए जो बिना दही का होगा। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो ये मटन लिया पर 500 ग्राम लिया है। 500 ग्राम को मैंने यहाँ, सॉरी चिकन मेरे आ रहा है, चिकन नहीं मटन को मैंने यहाँ पर गर्म पानी से अच्छे से वॉश किया है कम से कम 3 या 4 बार। मेरा सबसे पहले ओपिनियन यही रहता है कि अगर आप कोई भी गोश्त बनाए या फिर कोई भी मटन चिकन जो भी आप मांस वाली चीज बनाए, पहले उसको आप गर्म पानी से जरूर जरूर धोएं। उससे क्या होगा ना, जो सबसे पहले जो इन मांसों पे जो गंदगी जमती है, डस्ट जमता है, वो बहुत अच्छे से निकलते हैं। आप देख रहे हैं मेरा ये जो मटन है एकदम थोड़ा हल्का हल्का व्हाइट सा हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने इस पे डायरेक्ट एकदम तेज भी नहीं, ज्यादा एकदम नॉर्मल भी गर्म नहीं, ठीक ठाक पानी डाला है, जो ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा एकदम गुनगुना भी नहीं होना चाहिए, गुनगुने से थोड़ा तेज। उससे मैंने इसको 3-4 बार वॉश किया है। सबसे पहले अगर आप अपने जो भी आप मटन या चिकन बना रहे हो उसको आप अच्छे से वॉश ही नहीं करोगे तो वो तो आपका पहला ही स्टेप रेसिपी का बनाने का वो ही गलत हो गया। इसका मतलब आप ये मान के बैठिए। इसलिए मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगी आप लोगों को कि सबसे पहले आप लोग जो है अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि जो हमारा मटन चिकन जो भी आप मांस वाली चीज बना रहे हैं वो अच्छे से वॉश होगी ना तो वो अपने आप ही अच्छी अच्छी तो बनेगी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। फिर वो अगर आप गर्म पानी से वॉश करके बनाएंगे तो जरूर आप बनाइए गर्म पानी से धोकर। मैंने यहाँ पर रख लिया है इसको। 500 ग्राम मेरा ये मटन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ कुकर लेकर फ्लेम ऑन करूंगी। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है, इसको साइड में रखकर मैं यहाँ फ्लेम ऑन करती हूँ अपनी गैस की, और जो है इसमें ऑयल लगाते हैं। तो यहाँ पर कुकर गर्म हो चुका है मेरा। अब हम इसमें डालते हैं, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी चम्मच देसी घी डाल दिया है। इसको मेल्ट होने देंगे हम। देसी घी में बनाने का एक अपना ही अलग स्वाद है। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ मटन को अपने फ्राई करूंगी, मैं नमक में मैं फ्राई करूंगी। मेल्ट हो गया है घी, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले मटन लेकर पीसेस को उठा के निचोड़ के अच्छे से पानी, एक्सेस पानी निकाल के इसमें डाल दूंगी। ये पानी निकल चुका है, इसमें हम डाल देंगे। फिर हम इसको घी लगे ये फिर हम इसको चलाएंगे, फ्लेम अपनी फुल कर देंगे हम लोग। और आधा चम्मच हम जो है इसमें नमक ऐड कर देंगे, आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम लीजिए, क्योंकि हम अभी मसालों में भी डालेंगे, ऐड करेंगे। ये मैंने 1/4 नमक लिया है, सिर्फ हमारे मटन में ये अब्सॉर्ब हो जाए अच्छे से। फिर हम इसको चलाएंगे। आप इसको 7 से 10 मिनट पकाइए, पकाइए क्या, फ्राई करिए इसको अच्छे से। पकाना तो पकी तो खुद ही जाएगा अगर आप फ्राई करेंगे, लेकिन जो नमक है वो हमारे गोश्त में चला जाएगा, तो उससे जो है हमारी सब्जी का रेसिपी का और जो भी हम बना रहे हैं मटन की रेसिपी, उससे हमारी रेसिपी में और अच्छा स्वाद आएगा, टेस्ट हमारा बढ़ जाएगा। आप ये जरूर ट्राई करिए, नमक डाल के पहले फ्राई करिए तेज फ्लेम पे एकदम। ये अभी कुक हो रहा है, फ्राई अच्छे से हम करेंगे इसको 5-7 से 10 मिनट तक। ये जो हल्का हल्का पानी इसमें छूटा हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का ये बॉइल हो रहा है, ये वाला ये चीज ये एकदम सूख जानी चाहिए, इसलिए मैंने आपको कहा तेज फ्लेम कर लीजिए अपनी एकदम फुल पे,
ये जो है जल्दी से हमारा सोख ले पानी, और मटन में ये पानी एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि ये नमक का पानी है, नमक जो गोश्त को एकदम अपने में सोख लेगा। बस तेज फ्लेम पे इसको फ्राई करिए नमक में। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही पानी सोख लिया है मटन ने हमारे। अब हम मटन को निकाल के अलग करते हैं, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये हमारे खड़े मसाले हैं, ये पिसे हुए मसाले हैं, ये टमाटो प्यूरी है, जो मैंने 3 से 4 टमाटरों को, छोटे छोटे मीडियम साइज के टमाटर थे, ज्यादा बड़े नहीं लेने हमको, क्योंकि मटन हमारा 500 ग्राम है, तो इतने इतने से टमाटर थे 4, वो मैंने उबाल के प्यूरी बना ली है। ये मेरा अदरक लहसुन और प्याज, इन सबका मैंने एक बारीक पेस्ट बना के पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। आइए हम खड़े मसाले देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं, दालचीनी है यहाँ पर 1 से 2, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, 1 जावित्री ली है मैंने, 2 इलायची ली है बड़ी वाली, और थोड़ी सी हमने 1 से 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च ली है। तो ये यहाँ पहले हम खड़े मसाले ऐड करेंगे, तो मैं प्रोसेस आपको बताती जाती हूँ, आप फॉलो कीजिए। आइए मैं दिखाती हूँ, पहले मैं आपको इसको मैं साइड हटा देती हूँ, तो मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ। मैं पहले फ्लेम अपनी ऑन कर देती हूँ, फ्लेम ऑन हो गई है। इसको हटाने के बाद हम अब हम मैं जो मटन है मैं वो भी जो है देसी घी में ही बनाना चाहूंगी। जब बना ही रहे तो क्यों ना अच्छे से बनाएं, और देसी घी का तो स्वाद हर किसी में लाजवाब आता ही है और बढ़ भी जाता है। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी ले रही हूँ, इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इसको अच्छे से फैला लेंगे पूरे कुकर में। आप चाहें तो देसी घी ना लेकर अपना कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप देसी घी में ही बनाएं, बस ये है कि स्वाद बढ़ जाता है। और मैंने कुकर को ना धोया है, ना हटाया है, कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ मैंने वो मटन निकाल के उसी तेल में उसी घी में डाल दिया है अपना, और घी तो मैं यहाँ पर अब इसमें खड़े मसाले में ऐड करूंगी। घी तो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। यह मैंने जो मैंने आपको ये खड़े मसाले दिखाए थे उसके साथ साथ मैं ये हरी मिर्च भी ऐड करके डाल देती हूँ उसमें। थोड़ा पीछे से बता दी, क्योंकि ये खड़े मसाले हैं चटक के ऊपर को आते हैं, तो जरा केयरफुली करिए। बस इसको 1 से 2 मिनट इसको इस तरह से रोस्ट करना है हमको, फ्राई करना है अच्छे से। ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं आपको अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ 1 बड़ी चम्मच ले रही हूँ, इसको एकदम ब्राउन, जब तक हमारा ये घी ना छोड़ दे जब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूंगी। मेरा प्याज एकदम अच्छे से क्रिस्पी, एकदम डार्क ब्राउन आ जाए, मैं जब तक इसको फ्राई करती रहूंगी। लगभग मुझे इसमें 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। इसको धीरे धीरे तेज फ्लेम कर देंगे हम फुल, और इसको लगातार चलाते रहेंगे। यहाँ मैं आपको ये सूखे मसाले, सॉरी बताना भूल गई थी, जो हमारे मिसे हुए मसाले हैं, मैंने इसी चम्मच से नाप के सारे रखे हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच ही टर्मरिक पाउडर है, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला है, और ये है हमारा सौंठ पाउडर, जो मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा आपको इजिली। हम ये सारे मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ इसको छोड़ के गरम मसाला हम बाद में ऐड करेंगे, हम ये मसाले ऐड कर देंगे पहले। फिलहाल हम ये पहले प्याज अपना फ्राई कर लेते हैं, और हम फिर उसमें
लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैंने आपको धीरे धीरे करके सारे मसाले, खड़े मसाले, टमाटो प्यूरी, हर चीज मैंने आपको बता दी है। आप ध्यान से पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाए हैं। बस थोड़ा जो टाइम लगेगा वो प्याज फ्राई होने में ही लगेगा, क्योंकि प्याज है वो पानी भी छोड़ती जाती है और थोड़ा टाइम लगता है बस प्याज भूनने में, इसलिए आप फ्लेम को तेज करके ही फ्राई करें। प्याज अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। मैंने बताया था, जैसे कि मैंने बताया था कि ये गर्म मसाले को छोड़ के हम ये सारे मसाले इसमें ऐड करते हुए जाएंगे। जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो उसका भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने मसाले डाल के थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। पहले मैं सूखा सूखा कर दिया पहले हमने इसको, अब मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी। मसालों को अब मैं भूनूंगी कम से कम अपने 10 मिनट तक, क्योंकि मुझे मसाला जब तक मैं मेरे अंदर से नहीं हो जाती कि मैं हाँ, सर्टिफिकेशन नहीं हो जाती मुझे कि मैं हाँ कि मसाला मेरा तैयार हो गया, अच्छा भून के तैयार हो गया, जब तक मैं मसाले को छोड़ती नहीं हूँ। इसलिए आप भी पानी डालते जाइए थोड़ा थोड़ा, फ्लेम को फुल करके अच्छे से मसालों को पकाते चले जाएंगे। 2 मिनट इसको मसाले को लगेंगे हमको बस, फिर हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। या घर पे ट्राई जरूर करिए, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनके तैयार होगी। आई होप जैसे जो भी आप ये जो मैं बता रही हूँ मसाले अपने अगर सारे अच्छे से फॉलो करें तो आपकी रेसिपी एकदम बढ़िया बनेगी, मसालेदार चिकन, सॉरी चिकन नहीं मटन। ये देखिए मसाला भी मेरा फ्राई हो गया है अच्छे से, मैंने कहा था एक मिनट लगेगा ज्यादा ज्यादा। अब मैं पकाऊंगी इसको इसके साथ, यानी टमाटो प्यूरी के साथ। मैं टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर देती हूँ, इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दिया, फिर उसको मसाले को अपने टमाटो प्यूरी के साथ पकाएंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, मैं नमक भी इसी चम्मच से ऐड कर देती हूँ, सिर्फ आधी चम्मच नमक अभी हम इसमें ऐड करेंगे, बाद में हम जब इसमें अपना मटन डालेंगे जब ऐड करेंगे। नमक आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ आधी चम्मच थोड़ा डाला है, फिर हम जब मटन की ग्रेवी को रखेंगे तब हम थोड़ा सा डालेंगे, तो बैलेंस एकदम परफेक्ट बैठता है। इसको हम अब हम इस फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको मैं 2 से 3 मिनट पकने के लिए आराम से छोड़ दूंगी। बीच बीच में आप देखते जाइए कि मसाला जल तो नहीं रहा है, देखिए मसालों ने घी भी छोड़ रहे हैं धीरे धीरे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं फिर से एक बार चलाऊंगी इसको और मैं फिर से इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी वापस। आइए फिर से चेक कर लेते हैं। अब फ्लेम को तेज करके एक बार हम इसको फुल फ्लेम पे मसाले को फ्राई करेंगे।
लोगों को लगातार आपने देखा होगा, मैंने लगातार जो है बीच में अपने मसालों को चलाती रही हूँ चलाती रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटन मसाला, हो गया। अब मैं ऐड करूंगी इसमें मटन, यहाँ मैंने मटन लिया था, इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब मैं फिर से इसको हम इसको फ्राई, अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर दिया है। बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे इसको मैं मसाले के साथ मटन को भी फ्राई करूंगी। आइए चेक करते हैं इसको। ये देखिए एकदम मसालों ने को पकड़ लिया है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, बस इतना सा। अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। पूरा मसालेदार मटन है, मैं इसको ढक के फिर से मसालों को एक मिनट तक फ्राई करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं फ्राई बहुत ज्यादा करूंगी, तो इसलिए फ्राई मेरा सबसे मेन है, फ्राई करना मसालों को भी मटन के साथ। अब मैं फ्राई कर रही हूँ, चेक करते हैं इसको। मैं हल्का सा पानी इसमें और करूंगी, क्योंकि मैं एक साथ पानी नहीं डालती हूँ सारा, थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती हूँ, ताकि मसाले जो है उनको धीरे धीरे मेल्ट होते चले जाएं। ये देखिए फ्लेम को तेज कर लीजिए और इसको एक मिनट के लिए फिर ढक के रखेंगे हम। तेज फ्लेम है तो ढक के रख कर रखिए और बस एक एक सेकंड बाद देखते रहिए, चलाते रहिए, ताकि हमारे मसाले जो है जल नहीं जाए। देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। अगर यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में रिलेटिव्स में शेयर करिएगा। ऑलमोस्ट ये फ्राई हो चुके हैं हमारे मसाले, तो मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और घी भी मेरा हल्का हल्का ऊपर आ गया है, तो मैं इसको हल्का सा पानी इसमें ऐड करूंगी। बस मैंने बिल्कुल ही नाम के लिए पानी लगाया है, वो भी लगा नहीं लगा एक ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे मसाले ही इतने हैं कि वो पानी को आने ही नहीं देंगे, वो मसाले मसाले दिख रहे हैं हमारे। तो मैं फ्लेम एकदम कम कर दूंगी, एकदम लो फ्लेम पे बनाने वाली हूँ मैं आज। बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाने का क्या रिजल्ट आता है ये आप खुद देखिए, मैं अगर बताऊंगी तो शायद आपको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आप खुद ट्राई करिए कि लो मीडियम पे बनाने का क्या राज है। तो मैंने गैस एकदम लो कर दी है और इसको बंद कर दूंगी मैं। सीटी नहीं आएगी लो मीडियम लो पर आपकी, तो आपको अंदाजे से ही लगाना होगा कि आपको 15 से 20 मिनट बाद इसको चेक करना है। सीटी हमारी हमेशा तेज गैस पे आएगी, लो पे सिर्फ हमारी गैस बनेगी, इसलिए हम 15 मिनट से 20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे कि हमारा जो मटन है वो कुक हुआ या नहीं हुआ। आइए चेक करते हैं। मैंने 15 से 20 मिनट रख करके रखा था इसको मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं
मैंने विदाउट पानी के बनाया है, हल्का फुल्का पानी डाला है, वो भी नाम का पानी था। देख सकते हैं आप उसको कि कितने अच्छी खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो खुशबू बहुत अच्छी है, आप घर पे बना के जरूर ट्राई करिए कि ये रेसिपी कैसी है और कैसी नहीं है। मैं एक बार चला के भी दिखा देती हूँ आपको इसको, ये देखिए। और हम एक दो पीस इसमें चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो मटन है वो कुक हुआ है या नहीं हुआ है। नमक भी और पीसेस को हम चेक भी कर लेते हैं।